पक्का निश्चित कालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी जारी रहेगा। क्वेश्चन बाद में होगा। उसके बाद जो डीसी ऑफिस है, स्टेट्स के जिला हेडक्वार्टर्स हैं, उनका भी घेराव होगा और ऐसे धरना प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारी जो कॉल है, सबसे जब बड़ी बात तो है भी हमारी दिल्ली को घेरने की बात है, जयपुर आगरा, और जो जयपुर और दिल्ली, जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको घेराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है। और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में, और सभी संगठन रल के इसको करेंगे। जी बाद में करते हैं। आज जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दिया, ज्यादातर रख दिया है साथियों ने। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर, 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे 14 तारीख को। 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा, और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्ची मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे। और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये तीन काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच। फैसले हुए हैं ये पूर्ण रूप से जो यहाँ मोदी ने फैसला लिया है और पूरा देश का फैसला है, ये किसी व्यक्ति का फैसला नहीं, किसी संगठन का नहीं है। और पूरे ये मोर्चाबंदी जिस तरह से दिल्ली की करी जाएगी, ये पूरे यहाँ का किसानों का फैसला है और आम किसान जो गांव में है वहां तक अपनी आवाज हम आप पहुंचावे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजाबंदी इन फैसलों के साथ में, जो जो तारीख यहाँ पर दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। तीन बिल है मेन रूप से, उनके बिल वापसी नहीं होते। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग साथ में हैं। डॉक्टर अशोक धावले महाराष्ट्र से है, एआईकेएस के जनरल सेक्रेटरी। साथियों, कल का जो भारत बंद हुआ संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर, ये बहुत ही ऐतिहासिक भारत बंद हुआ। पिछले कई सालों में इतना जबरदस्त भारत बंद हमारे देश में कभी हुआ नहीं जो कल हुआ, और उसके अंदर पूरे देश के किसानों के साथ भारत की पूरी जनता अलग अलग राज्यों से बहुत ही जबरदस्त तरीके से किसानों के बाजू में खड़ी हो गई। करोड़ों लोग इसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, उन सब जनता को हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, आभार देना चाहते हैं, बधाई करना चाहते हैं। आज सरकार ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, कल अमित शाह जी के साथ जो चर्चा होने के बाद ये प्रस्ताव हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों के सामने रखा, पूरा पढ़ के सुनाया, और हमारा सबका बहुत स्पष्ट मत है कि सरकार ने दिया हुआ
ये जो प्रस्ताव है ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। उन्होंने और एक बात क्लियर की है, ये फिर से वो प्रस्ताव, उसमें नया कुछ भी नहीं है। 5 तारीख को जो चर्चा हुई वही बात है, एक भी नई बात नहीं है, उल्टा और कुछ एक दो बातों में सरकार पीछे गई है। इसके अंदर बहुत स्पष्ट होता है कि आज भी बीजेपी की सरकार ये अपना कॉरपोरेट को मदद करने का जो रास्ता है, जो नीति है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और हम आज पूरे देश को आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाले संघर्ष के स्वरूप को आप समझिए। एक तरफ भाजप और उनके सभी कॉरपोरेट दोस्तों यहाँ इस देश के और विदेश के एक तरफ है, और दूसरी तरफ इस देश के सभी किसान, मजदूर, खेत मजदूर, छात्र, युवा और महिलाएं अलग अलग किस्म के एक है। ये आने वाले, ये हमारा संघर्ष जो संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का ये जो निर्णय लिया है, उसके बारे में दर्शन पाल जी और अध्यक्ष जी ने आपको पूरा बताया है उसके अंदर। लेकिन दिल्ली के आसपास के राज्य ये बहुत जबरदस्त तरीके से, और दिल्ली के सभी हाईवे रोकेंगे। 14 तारीख से पूरे देश भर में एक जबरदस्त धरने पूरे जिला लेवल पे होंगे। जियो का सिम और अंबानी और अदानी के सभी जो पेट्रोल पंप और बाकी सब है उसके ऊपर बॉयकॉट पूरे देश का किसान और जनता ये करेगी, है हमारा पूरा ये मकसद इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए। जनता इस आंदोलन को जैसे भारत बंद को समर्थन किया, वैसे ये आंदोलन को भी और ज्यादा समर्थन देंगी, ये विश्वास हमें सबको है। धन्यवाद। क्वेश्चन ले ले। जो किसानों से बातचीत की सरकार के ठीक है, क्वेश्चन जी, सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव है? मैंने कल को बुलाया, जाना है? नहीं नहीं नहीं, एक एक करके प्लीज, एक कल प्लीज, वन बाय वन प्लीज। आप यहाँ आप यहाँ आज नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ही जवाब दे तो अच्छा। एक बात बता दूं कि हमें कोई कल का बातचीत का न्योता नहीं था, ये प्रपोजल के बाद ही हम बोले थे, हम ही कह करके आए थे कि हम सोचेंगे हमें आना है या नहीं आना, आप प्रपोजल दीजिए। नहीं है, नहीं पूछिए पूछिए। जड़ी प्रपोजल की बात आई है सर, सर जो प्रपोजल की बात आई है, कह रहे कि तोमर जी ने जड़े मंजूर करेंगे जहां हमें संशोधन चाहिए ही नहीं। देखिए, कटौती कर दी या कम कर दिए, ये सारे प्रपोजल गोल मोल है, स्पष्ट नहीं है। एक हमको प्रपोजल चाहिए नहीं, ये भी हमको प्रपोजल नहीं चाहिए था, उन्होंने भेजा, हमारे पूरी जो कमेटी है उसने इसको खारिज कर दिया। देखिए, एक हमारी कमेटी, जब वो हमको प्रपोजल देंगे, हमारी पूरी कमेटी बैठेगी, बैठने के बाद उस पर निर्णय करेंगे कि आगे वार्ता जारी रखी जाए अथवा नहीं। वार्ता पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कल जो बैठक हुई थी अमित शाह जी से, उसको लेकर मंथन हुआ होगा, क्या अंदर ये बात भी हुई है कि हमें कल जाना नहीं चाहिए था, जाने की गलती की है सरकार ने, जिस ढंग से पेश किया कि जथेबंदियों में टकराव हो गया है, 13 बुलाए, क्या ऐसा तो नहीं सरकार? नहीं, किसी में कोई टकराव नहीं है।